Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. We are doing the Age of Revival. This is lecture number 12 and we are talking about Thomas Mallory. I have already talked about a few more writers in the previous videos and the features of this age. So please have a look at those videos first and then come here. Also, because I'm doing the writers in a chronology, so it would be good if you can see that video first and this later if you haven't already watched. So I've talked about Christine de Pizan and Marjorie Kemp already, and this is about Thomas Mallory. Those writers are not that important, but because I wanted to maintain that chronology, so I've talked about them first. Thomas Mallory on the other hand is really important and you have to know him well. Or in jo work hai, unki references aapko modern, postmodern age tak milenge. work detail mein let's start with Thomas Mallory. Pehli इनका जो वर्क है ले मोटे डी अर्थर अभी आप सोचेंगे खुद कि इसका क्या मतलब हो सकता है ऑब्वियसली ये अर्थर के बारे में होगा क्योंकि अर्थर का नाम है मोटे इज सिमिलर टू द वर्ड मोर्टैलिटी और अगर आपने वर्ड सुना होगा मोर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि दिस वर्क मीन्स द डेथ ऑफ अर्थर राइट सो so, अब इफ द वर्क इज अबाउट द डैथ ऑफ समवन तो दैट पर्सन मस्ट भी बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेचर के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि उनका डेथ इतना इम्पोर्टेंट है राइट right? तो इसलिए इनका हम देखेंगे कैसा इनका लिनेज रहा क्या इन्होंने किया और वाई ही डाइड तो वो सारा स्टोरी हम देखेंगे सो दे वॉज दिस पर्सन कॉल्ड ऊथर पेन ड्रैगन हु वॉज द फादर ऑफ अर्थर ही मैरीड आई ग्रेन एंड देन अर्थर वॉज बॉर्न बिकॉज उस टाइम पर जो स्टेट है वो एक टर्मोइल का स्टेट था चीज़ें सही नहीं थी तो अर्थर उस सेम जगह पर नहीं ग्रो अप कर सकता था तो उसे भेज दिया गया सर एक्टर के पास ताकि वो अच्छे से ग्रो अप करें बिना किसी प्रॉब्लम्स के एंड अगेन यू नो फिर अर्थर जब वापस आते हैं अपने किंगडम और फाइनली एक्स कैलेबर को रिमूव करते हैं एक स्टोन से क्योंकि उस उस स्वर्ड एक्स कैलेबर इज अवर्ड उस स्वर्ड को स्टोन से रिमूव करना बहुत मुश्किल काम है नहीं कर पाते लोग तो जब अर्थर फाइनली एक्स कैलेबर को रिमूव करते हैं तो ये प्रूव हो जाता है कि ये राइटफुल एयर है इस थ्रोन के और इस, इस, इसके कारण वो किंग बन जाते हैं इस सब में ये कैरेक्टर है मर्लिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एक विजर्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफिस करते हैं मैजिक इनको आता है और इनका रोल भी काफ़ी है तो आपको ये याद होना चाहिए कि मर्लिन इज़ अ विजर्ड इन ले मोटेडी दी अर्थर ये मर्लिन के ऊपर मैंने ये आ, कैप बनाई है आई एम ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक जो हैरी पॉटर की द शॉर्टिंग हैट नहीं है उसकी तरह आई डोंट नो ये कितनी लग रही है पर क्योंकि वो भी विज़र्ड्स को शॉर्ट करती है तो ये मर्लिन है इनको भी वो कैप लगा दी है मैंने ठीक है तो ये मर्लिन हो गए अच्छा इसके बाद आगे क्या स्टोरी है उसमें हम बाद में जाएंगे अभी आपको मेजर से जो आपको कैरेक्टर्स ज़रूर ज़रूर आने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया उसमें भी मर्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स कैलेबर का आपको नाम याद होना चाहिए ये आप नहीं भी याद रखेंगे कोई बात नहीं आई ग्रेन इज़ ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट ऊथर का नाम आप याद रखेंगे और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके कुछ स्पेसिफ़िक डिटेल्स के क्वेश्चंस जिन पे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर क्या करते हैं ना वो आपसे कुछ भी नहीं पूछ लेंगे कि हाँ जो उनके मन में आया वही पूछ लेंगे ऐसा नहीं होता है अब आपको पता होगा अगर आपने कभी भी आर्थर के बारे में पढ़ा होगा कि द राउंड टेबल द नाइट्स ये एक पुराने टाइटल में ये वर्ड्स यूज हैं और जब भी आप ऑर्थर के बारे में सोचते हैं आप एक राउंड टेबल के बारे में डेफिनेटली सोचते हैं तो ये वो राउंड टेबल है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 150 है ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है ये अलग अलग जगह अलग अलग दी गई है और इसमें नाइट्स बैठते हैं लेकिन जो क्वीन ग्योइनीर आई डोंट नो हाउ इट्स प्रनाउंस बोल बोलते हैं तो ये जो है ये हैं की वाइफ। ठीक है तो ये भी उस जो भी वो एक गैदरिंग रहती है ये जो राउंड टेबल नाइट्स मिलते हैं इस पे ये भी वहाँ प्रेजेंट होती है और ये क्या करती हैं ये रिवॉर्ड करती हैं उन लोगों को ये मेडल बनाया मैंने जो अच्छे काम करते हैं और उनको पनिशमेंट भी देती है जो अच्छे काम नहीं करते हैं सो बेसिकली ये एक यू नो ताकि आप अच्छे काम करते रहें उसके लिए ये क्वीन गाइनवीर ये सारा कुछ ये सिस्टम है और इसमें एक चीज़ है इसमें Characters here. One is Sir Launcelot, who has both of them have feelings for each other, but and of course, Garway is whose wife? The wife of Arthur. So, this is. दो बना लेते हैं क्योंकि जब हमें वन साइडेड दिखाना होगा तो हम पिक्टोग्राफिकली हम उसमें सिर्फ एक ही बनाएंगे ये हार्ट ठीक है तो uh, लॉन्ट क्या होते हैं यू नो एक ट्रिक की वजह से या आप समझ लीजिए कुछ भी होती हैं चीज़ें सम हाउ ही एंड्स अप हैविंग अ चाइल्ड विद अ डिफरेंट वुमन एंड आपको वुमेन का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है बट बेटे का नाम इम्पॉर्टेंट है गला हैड I really don't know how this is pronounced. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. So गैल हड तो ये जो ये है ये एक बहुत ही able knight रहेंगे और एक ये एक seat है ये मान लीजिए एक seat है इसका नाम है Siege Perilous. और इस पर सिर्फ एक ऐसा ही नाइट बैठ सकता है जो द होली ग्रेल को ढूंढ पाएगा और जो गैले हेड है ये भी एक 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 जो स्वोर्ड होती है वो ये निकाल देता है फ्रॉम द फ्लोटिंग स्टोन ये फ्लोटिंग स्टोन है और ये हमने एक बना दी इसमें से ये निकाल लेता है और फिर मतलब अपने आप को ये प्रूव कर लेता है कि ये बहुत एफिशिएंट है एंड ही कैन फाइंड द होली ग्रेल अब जो बाकी ऑफ़ स्ट। द स्टोरी है वो इसी बारे में है अलग अलग नाइट्स आपके होली ग्रेल के क्वेस्ट में जाएंगे अच्छा होली ग्रेल है क्या इसके बारे में भी बात करते हैं मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे तो ये जो नाइट्स है ये होली ग्रेल की क्वेस्ट पे जाएंगे और आ, आ, वो मतलब वो एक अलग चलेगा उसे जानने की जरूरत नहीं है लेकिन अब मेन क्या होगा कि जो गायने हैं इनका जो ये रिलेशनशिप है इसके बारे में अर्थर को पता चल जाएगा इनिशली तो वो कुछ करेंगे नहीं बट बाद में वो क्या करेंगे वो बोलेंगे कि गायनवीर को जला दिया जाए तो अब ऑब्वियसली अब गायनवीर को जलाने के आदेश हैं फाइन रेड कलर से बनाते हैं तो हेल्प कौन करने आएगा लॉन्सलॉट तो लॉन्सलॉट जो है वो गायनवीर को बचा लेंगे लेकिन इस प्रोसेस में ऑब्वियसली गायनवीर को अकेले तो छोड़ा नहीं होगा जलने के लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन लगाई होगी तो जो दो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं गायनवीर को वो हैं ब्रदर्स ऑफ गवेन गवेन का नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि गवेन भी फिगर काफ़ी करते हैं अर्थोरियन लेजेंड्स में तो गवेन के भाई हैं तो क्या करता है लॉन्ट इनको मार देता है तो अब गवेन को गुस्सा आएगा कि नहीं क्योंकि उसके भाई थे तो गवेन चलेगा रिवेंज लेने और गवेन चाहेगा कि अर्थर जो है वो क्या करे लॉन्से को अटैक करे और अर्थर चला जाएगा ये सब करने अब अर्थर किंगडम में नहीं है मीन वाइल इसका सन मॉडरेड ये किंगडम को टेक ओवर कर लेगा जब अर्थर वापस आएगा इनकी आपस में लड़ाई होगी वो ऑब्वियसली अर्थर जो है वो मॉड्रेड को मार देता है लेकिन अर्थर खुद भी इतना इंजर्ड हो जाता है कि ये भी मर जाता है ये स्टोरी है लेकिन ये आप खुद भी पढ़ेंगे ये सिर्फ यहीं तक नहीं आप एक बार इसका लिट चार्ट एक बहुत अच्छी साइट लगती है मुझे उसका जो वन पेज का समरी है वो प्लीज आप एक बार पढ़ लें तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि क्या स्टोरी चली मैंने आपको सिर्फ वो फैक्ट्स बताए हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए याद नहीं भी होगा ये सारा कुछ तो इतनी भी ज़रूरत नहीं है इसमें आप एक लॉन्सलॉट का नाम याद रख लें गाइनवेर का भी इम्पॉर्टेंट है गवेन तो आपको इतनी बार मिलेंगे कि आपको याद हो ही जाएंगे आ, ये नहीं याद रखेंगे सेज पेरेस के बारे में कोई बात नहीं होली ग्रेल हाँ मैंने बताया था कि सेज पेरलिस जो है वो उसी वही इंसान वहाँ बैठ पाएगा जो होली ग्रेल को ढूंढ लेगा अच्छा होली ग्रेल है क्या होली ग्रेल की ना अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं लेकिन होली ग्रेल जो है वो एक मान लेते हैं एक कप है जिसमें एक ऐसी चीज है जो जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो लोगों को हील कर सकती है स्पेसिफिकली तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसकी सब क्वेस्ट में है एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट द होली ग्रेल और अर्थोरियन लेजेंड्स में जो होली ग्रेल है वो काफ़ी फिगर करती है तो अगर आपको कभी भी ये चीज़ें मिलें होली ग्रेल या मर्लिन कैमलॉट एवलॉन इन सब का कनेक्शन जो है वो अर्थर से रिलेटेड कोई भी स्टोरी होगी उससे होगा अच्छा थॉमस मैलरी को ओरिजिनल आइडिया तो ये था नहीं ये ओरिजिनल आइडिया नहीं है ना ये अगर आपने मिडिल इंग्लिश पीरियड में देखा होगा तो उसमें तीन मैटर्स पढ़े थे हमने मैटर्स ऑफ फ्रांस ऑफ इंग्लैंड और फ्रोम ठीक है इसमें हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी और हमने मैटर ऑफ इंग्लैंड में इंग्लैंड या ब्रिटेन सॉरी ब्रिटेन भी इट्स मैटर ऑफ ब्रिटेन मैटर ऑफ ब्रिटेन में हमने पढ़ा था अर्थर तो ये उस टाइम पे काफ़ी कॉमनली ये लेजेंड्स के बारे में लिखा जा रहा था अर्थुरियन लेजेंड्स वर रियली कॉमन दैट टाइम और थॉमस मैलरी का जो ये वर्क है ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत फेमस हो गया कैमेलोट नाम का जो आइलैंड है ये एक प्लेस है ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस है और लेजेंड्स में ये आपको पता होना चाहिए और एवेलोन ये भी कैमेलोट अगर आपको याद हो अगर आपने ये वर्क पढ़ाओ द लेडी ऑफ शैलेट अब ये किसने लिखा है ये किस बारे में है शैलेट की स्पेलिंग मुझे आई एम नॉट श्योर ऑफ इट आ, तो ये किसने लिखी है टेनिसन ने और इसमें भी ये टर्म आती है कैमिलॉट तो ये एक रेफरेंस हो गया जो आपको पता होना चाहिए ठीक है इसको हम अलग से बॉक्स में डाल देते हैं ओके सो ये सारा कुछ हो गया आपका अर्थोरियन लेजेंड्स के बारे में ये इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ये इतनी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है आपको आप स्किप भी कर सकते हैं इस पोर्शन को ये आपको कैरेक्टर्स बता रही हूं मैं क्योंकि जो इनिशियली ये जो बुक थी ये एट बुक्स में थी लेकिन ये प्रिंट की थी विलियम कैक्सटन और उन्होंने ये बुक एट से ट्वेंटी वन कर दी सो so, समाइम्स आपको एट लिखा हुआ मिलेगा कई बार ट्वेंटी वन लिखा हुआ मिलेगा सो ओरिजिनली इट वॉज एट एंड लेटर ऑन इट बिकेम ट्वेंटी वन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कब पब्लिश हुई थी ये डेट रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट है अगर हो सके याद तो आप रख सकते हैं नहीं हो रहा तो इतनी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो ये हो गया आपका द uh, डेट ठीक है अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो थोड़े से रिलेटिवली इम्पोर्टेंट हैं तो आप देख लीजिए प्लीज़ तो एक तो सर गैरेट, सर त्रिस्ट्रम अच्छा आपने इससे कुछ अगर आपको याद आ रहा हो नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं क्योंकि ये बाद में करना है अगर आप ऐप बिगने रहे तो आपको नहीं भी आना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है आपने ये वर्क का नाम सुना है सुना है तो मुझे बताएंगे कि ये किसने लिखा था और ये कौन से पीरियड में फॉल करता है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है और मुझे ऐसा लगता है कि जब एग्जामिनर को ये लगेगा कि इसमें भी सर ट्रिस्ट्रम है तो वो पूछ सकते हैं कि ट्रिस्ट्रम इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क मान लो उसमें मोटर डी अर्थ दे दिया एक, एक आपका वर्क वो दे दिया एक आपका ट्रिस्ट्रम शानी दे दिया अब ट्रिस्ट्रम शानी तो सबको पता है कि ट्रिस्ट्रम शानी में ट्रिस्ट्रम तो हो गई और क्या मोटर डी अर्थ में सर ट्रिस्ट्रम है ठीक है तो वो आपको पता होना चाहिए Uh, उसके बाद सेंगरीन एंड दैट्स इट इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं ऐसा नहीं कि यही कैरेक्टर्स हैं बट ये थोड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और उसमें भी आपको सबसे अच्छे से ये आना चाहिए सर ट्रिस्ट्रम और लॉन्सलॉट गेल गाइनवेर एंड गवेन ठीक है दैट्स अबाउट इट इस वाले पोर्शन के लिए इसके अलावा क्योंकि ये वर्क इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बिगिनिंग की लाइंस और लास्ट की लाइंस आपको आनी चाहिए तो वो जरा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है इसका फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन कहाँ गई हा मिल गई so, इसका जो फर्स्ट uh, लाइन है दैट इज मतलब जो ओपनिंग लाइन है नेट में ना ये ओपनिंग लाइन पे बहुत फोकस करते हैं इट बीफेल इन द डेज ऑफ ऊथर ऊथर कौन थे द फादर है ना उथर पेन ड्रैगन तो आपकी फर्स्ट लाइन में ही आपका पहला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है वेन ही वॉज द किंग ऑफ ऑल इंग्लैंड सो अब उथर या अर्थर कहाँ के किंग है इंग्लैंड के हैं ठीक है एंड सो रेंड दैट There was a mighty Duke in Cornwall that held war against him all time. और इनका जो क्लोजिंग लाइन है दैट इज एंड देर दे डाइड अपॉन अ गुड फ्राइडे फॉर गॉड्स सेक सो अ क्वेश्चन कैन बी आस्ड कि वेन डिड अर्थ डाय ऑन अ गुड फ्राइडे ना इफ दे आस्क यू क्वेश्चन यू माइट थिंक ये क्या पूछ है गुड अब ये भी हम याद रखें कि फ्राइडे को ही डाइड ऐसे तो हम किस का याद रखेंगे बट दिस इज द लास्ट लाइन सो यू शुड नो दैट ही डाइड ऑन अ गुड फ्राइडे सो ऑल्ड नो द लाइन ऑल्सो एंड यू शुड नो द स्पेसिफिकेशन ऑल्सो की इसमें से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आप डिराइव कर रहे हैं वो आपको आती हो सो दैट इज ऑल एंड ऑल अबाउट थॉमस मैलरी Yeah, so keep studying. Thank you so much. And we do the next writers in the next video. So, bye bye.